अब तक हमने अक्टूबर तक के ट्रांजैक्शन पास कर लिए। अगर हम अक्टूबर तक की अकाउंट्स रिपोर्ट देखें तो यहाँ पर डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में जाएंगे और यहाँ पर अकाउंट्स बुक्स में जाएंगे और यहाँ पर ग्रुप समरी में जाएंगे। तो यहाँ पर हम ग्रुप समरी में आ जाएंगे और यहाँ पर हम सन्डे डेटर्स और क्रेडिटर्स की रिपोर्ट देखें तो सन्डे डेटर्स में हम जाएंगे, यहाँ पर डेट चेंज करेंगे 1 अक्टूबर। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास चार पार्टी जिनका पेमेंट है बकाया है, किनसे हमें पेमेंट रिकवरी करना है, जो कि 1,79,000 है। यहाँ पर आपको सन्डे क्रेडिटर्स शो हो जाएंगे, वो हो जाएंगे। तो अब तक हमारे सन्डे क्रेडिटर्स है वो है लगभग 32,300 रुपये के, जिसमें 28,900 की तो एक है और 34 रुपये का एक क्रेडिटर्स है। तो इस प्रकार से हमारी ये रिपोर्ट शो कर रही है। और अगर हम यहाँ पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट देखें, यहाँ पर 1 अप्रैल से 1 अक्टूबर तक, तो यहाँ पर आपकी ये रिपोर्ट है, आपको 57,030 रुपये का लॉस हो रहा है। तो नंबर की फर्स्ट एंट्री है कंपनी राइज एंड इनवॉइस ऑफ आर 2,35,000 साइन एसोसिएट फॉर कंसल्टिंग सर्विस एंड एडजस्ट एडवांस पेमेंट। तो ये आपकी ट्रांजेक्शन कुछ इस प्रकार से आपका जनरल वाउचर में हो जाएगा, एसोसिएट डेबिट हो जाएगा, एडवांस कंसल्टेंसी डेबिट हो जाएगा, कंसल्टिंग रेवेन्यू जो कंसल्टिंग सर्विस है वो क्रेडिट हो जाएगा 2,35,000 से, और दोनों का अमाउंट इस प्रकार से डिवाइड हो जाएगा। फिर नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आपका कंपनी राइज एंड इनवॉइस ऑफ आर 50,000 टू शिव कंसल्टेंसी सर्विस फॉर कंसल्टिंग सर्विस। तो यहाँ पर कंसल्टेंसी सर्विस है वो आपने प्रोवाइड की है। तो यहाँ पर नेक्स्ट जो ट्रांजेक्शन है वो आपका है शिव कंसल्टेंसी अकाउंट या टू कंसल्टिंग सर्विस, जनरल ऑफिसर में ये एंट्री पास होगी। फिर नेक्स्ट कंपनी पेड सैलरी अक्टूबर मंथ की सैलरी पेमेंट किया, तो यहाँ पर आ जाएगी सैलरी टू एचडीएफसी बैंक, पेमेंट ऑप्शन में आ जाएगा। फिर अगर यहाँ पर आपका नेक्स्ट कंपनी पेड कन्वेंस बिल 8,000 केस, तो यहाँ पर आपका पेमेंट ऑप्शन में आ जाएगा, कन्वेंस बिल अकाउंट या टू केस 8,000 से ये हो जाएगा। फिर आपका आ जाएगा कंपनी पेड आरएस 5,000 टू आवर्स रिपेयर मेंटेनेंस, यहाँ पर आपका रिपेयर मेंटेनेंस आ जाएगा, रिपेयर मेंटेनेंस अकाउंट या टू कैश यहाँ पर 5,000 से ये पेमेंट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है कंपनी पेड सेलफोन बिल 300 और 600 रुपये इंटरनेट एक्सपेंसेस, तो यहाँ पर सेलफोन बिल इंटरनेट एक्सपेंसेस 300 और 600 रुपये टोटल एचडीएफसी बैंक से पेमेंट हो जाएगा 900 रुपये। फिर यहाँ पर कंपनी पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल, तो यहाँ पर 3,200 की इलेक्ट्रिसिटी बिल का पेमेंट कर देते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट या टू एचडीएफसी बैंक 3,200 रुपये से। फिर नेक्स्ट है 700 रुपये का ऑफिस एक्सपेंसिस टू पेमेंट किया, तो ऑफिस एक्सपेंसिस का पेमेंट आपका इस प्रकार से हो जाएगा, ऑफिस टू कैश से 700 रुपये से। फिर यहाँ पर आ जाएगा आपका कंपनी रिसीव इनवॉइस आउट स्टेशन टूर एक्सपेंसिस, तो यहाँ पर आपने टूर एक्सपेंसिस प्राप्त इनवॉइस प्राप्त किया टूर एक्सपेंसिस का, टूर एक्सपेंसिस अकाउंट या टू मोर ट्रेवल्स कंपनी का आ जाएगा आपका, ठीक है। फिर नेक्स्ट है कंपनी पेड टू मोहित एंड ट्रेवल्स 2,800 बाई चेक, यहाँ पर इनको पेमेंट किया है, यहाँ पर मोहित ट्रेवल्स को डीआर कर देना, एचडीएफसी बैंक को शेयर कर देना पेमेंट ऑप्शन में। फिर नेक्स्ट आ जाएगा कंपनी रिसीव एंड इनवॉइस फ्रॉम शिव प्रिंटिंग एजेंसी, यहाँ पर आपको स्टेशनरी आ जाएगा, स्टेशनरी अकाउंट डीआर टू शिव प्रिंटिंग एजेंसी 4,000 से जनरल ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आपके ये ट्रांजेक्शन हो जाएगा और इस प्रकार सॉल्यूशन है, इस प्रकार से ये बैलेंस शीट आपको शो हो जाएगी, ये बैलेंस शीट आपको शो कर रही है। तो यहाँ पर आपका ट्रायल बैलेंस है उसमें आपको इस बार आपका प्रॉफिट में चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर 6,31,320 का एक्सपेंस है, जब आपकी इनकम है 7,81,500, इन दोनों को आपस में घटाएंगे तो जो बचेगा वो आपका प्रॉफिट होगा। तो इस प्रकार से आपको प्रॉफिट में चल रहे हो। फिर नेक्स्ट आपका आता है दिसंबर, तो अब हम दिसंबर की ट्रांजेक्शन करते हैं, तो यहाँ पर हम डेट चेंज कर लेंगे। तो यहाँ पहला ट्रांजेक्शन है कंपनी राइज इनवॉइस टू एस डिजिटल एजेंसी टू आर्स कंसल्टिंग सर्विस ऑफ 17,800, तो यह वाउचर आपका जनरल ऑफिसर हो जाएगा, एस डिजिटल एजेंसी अकाउंट डी आर टू कंसल्टिंग सर्विस आपका जनरल ऑफिसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट एंट्री पे चलते हैं, तो यहाँ पर आ जाए कंपनी विड्रॉ 50,000 फ्रॉम बैंक अकाउंट, यहाँ पर कैश अकाउंट डी आर टू एच डी सी बैंक हो जाएगा, कॉन्ट्रा वाउचर की एंट्री हो जाएगी। ये जो पेमेंट निकाला जा रहा है वो ये ऑफिस यूज या फिर आपके बिजनेस के लिए निकाला जा रहा है, तो इसको कंट्रोल मत कर देना। फिर नेक्स्ट आपका आता है कंपनी राइज इनवॉइस 12 फॉर सॉल्यूशन टू आर्ड कंसल्टिंग सर्विस 33,800 रुपये, तो ये आपका जनरल ऑफिसर में हो जाएगा। अगर डाउन करेंगे तो 12 फॉर सॉल्यूशन कंसल्टेंसी आपका इतने अमाउंट का हो जाएगा। फिर कंपनी पेड 28,900 राघव बुक डिपो बाई चेक, तो यहाँ पर आपने चेक से पेमेंट किया, पेमेंट ऑप्शन में राघव बुक हाउस अकाउंट डिपो एच डी एफ सी बैंक आ जाएगा। फिर यहाँ पर आ जाएगा सैलरी चेक से पेमेंट किया, तो यहाँ पर सैलरी का पेमेंट हो जाएगा। फिर यहाँ पर आपका कंपनी पेड सेलफोन बिल 300, तो इस प्रकार सेलफोन और आपका इंटरनेट का पेमेंट हो जाएगा। फिर आपका हो जाएगा 800 रुपये कन्वेंस बिल का, तो यहाँ पर पेमेंट ऑप्शन कन्वेंस बिल का हो जाएगा। फिर यहाँ पर आपका जनरल एक्सपेंसिस का हो जाएगा, तो यहाँ पर जनरल एक्सपेंसिस आपका हो जाएगा। फिर यहाँ पर आपका ऑफिस एक्सपेंसिस हो जाएगा, तो यहाँ पर ऑफिस एक्सपेंसिस पेमेंट ऑप्शन हो जाएगा। फिर यहाँ पर आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल का पेमेंट हो जाएगा बैंक से, तो आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल का पेमेंट से हो गया। फिर यहाँ पर आपने पर्सनल यूज के लिए 12,700 निकाले, तो यहाँ पर ड्रॉइंग की एंट्री हो जाएगी पेमेंट ऑप्शन में। इस प्रकार का आपका ये जो टोटल ट्रांजेक्शन हो जाएंगे। अगर अब तक की हम रिपोर्ट देखें तो यहाँ पर आपकी रिपोर्ट शो रखी है डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में, और यहाँ पर ट्रायल बैलेंस में देखेंगे तो इस प्रकार से कुछ आपका ट्रायल बैलेंस शो कर रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम जाएंगे तो यहाँ पर 6,98,210 किताब की एक्सपेंसिज है, 8,32,690 के आपके ये इनकम है। तो यहाँ पर अगर हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट देखते हैं तो आप 1,34,980 रुपये के प्रॉफिट में चल रहे हो, ठीक है, यहाँ पर प्रॉफिट में चल रहे हो। लेकिन अगर हम वैसे देखें, अगर इसको बैलेंस शीट को चेक करें, तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि आपके पास जो कैश है वो
कम है। जैसे कि यहाँ पर हम चलते हैं करंट एसेट्स में, तो यहाँ पर कैश इन हैंड है वो 51,000 है और बैंक में मात्र 34,000 है। तो यानी कि इनकम हो तो रही है लेकिन वो आ नहीं रही है, वो रिकवर नहीं हो रहा उसका पेमेंट। तो ये सोचने वाली बात है, तो हमें कैसे भी हमें वो पेमेंट है वो निकालना होगा पार्टियों से, और तब जाके अपना जो प्रॉफिट है वो शो होगा, मतलब कि प्रॉफिट है मतलब कि हम संतुलन में आएंगे। तो हमें ये सारा पेमेंट है वो रिकवर करना है।